A very good morning. As we have started the Hindu Marriage Act and we have already completed the three lectures, ठीक है जी? और आज का जो लेक्चर है हमारा वो कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज है उस पर है. हमने हिंदू के रिगार्डिंग फर्स्ट लेक्चर में किया था एंड इन सेकेंड लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द काइंड ऑफ मैरिज और मैरिज है क्या. और तीसरा जो लेक्चर था हमारा वो स्पिंडर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पे था. एंड नाउ फोर्थ लेक्चर इज द कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज. एज पर सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज इज कंसर्न द फर्स्ट कंडीशन इज द मोनोगैमी. द सेकेंड इज मीन्स इफ देर इज नॉट अ वैलिड कंसेंट ऑफ द पार्टीज, नॉट अ वैलिड कंसेंट. थर्ड इज द गर्ल एज इज मिनिमम एज इज 18 ईयर एंड द बॉय मिनिमम एज इज 21 ईयर. And the fourth is the private relationship and the fifth one is the spindle relationship. These two last conditions we have already completed in our third lecture. So there is no need to further define it. ठीक है जी. मोनोगैमी का कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मोनोगैमी का जो कंसेप्ट है उसके रिगार्डिंग जो मोनो का मतलब है सिंगल. मोनो मीन्स सिंगल एंड द गैमी मीन्स द मैरिज. ठीक है जी. सिंगल मैरिज 1955 जो ये एक्ट है हमारा उससे पहले जो पर्सन कोई भी पर्सन है चाहे वो मेल है वो नंबर ऑफ मैरिज करवा सकता था. वो दो मैरिज करवा सकता था, तीन मैरिज करवा सकता था. हिंदू मैरिज एक्ट में भी कहीं ना कहीं कस्टम आपको अलाउ कर रहा है कहीं ना कहीं. लेकिन 1955 एक्ट आने के बाद जो ये मैरिज का कंसेप्ट है वो हमने मिनिमाइज करके मोनोगैमी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. मोनोगैमी मींस अ सिंगल मैरिज, मींस अ पर्सन कैन ओनली जो उसकी बात करें जो वो ही कैन ओनली अरेंज ओनली वन मैरिज. एक ही मैरिज अरेंज कर सकता है वो. अगर उसका स्पाउस जिंदा है ही कैन नॉट सॉलमनाइज हिज द सेकंड मैरिज. वो सेकंड मैरिज को नहीं कर सकता जब तक उसका फर्स्ट स्पाउस जिंदा है. ठीक है जी. फर्स्ट स्पाउस से अगर वो डिवोर्स लेगा तब जाके सेकंड मैरिज के वास्ता है. लेकिन उसके जिंदा अगर वो जिंदा है स्पाउस अगर आपका जिंदा है तो वो आप सेकंड मैरिज नहीं करवा सकते. इट इज टोटली प्रोहिबिटेड एज द कंसेप्ट मोनोगैमी इज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है जी. मोनोगैमी का जब कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है तो एक बात हमारे दिमाग में एक क्लियर होती है कि जो हमारा सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी है, 494 ऑफ आईपीसी दैट इज अ बाइगैमी, वो क्राइम के रिगार्डिंग डील कर रहा है आईपीसी का. ठीक है जी. तो आपने सेकंड मैरिज करवा ली और जो सेकंड मैरिज है वो भी वैलिड मैरिज है. ठीक है जी. और दोनों मैरिज वैलिड है इसके लिए बेसिकली इन्होंने प्रोविजन रख दी 494 अगर कोई पर्सन बाइगैमी कमिट करता है. बाई मीन टू, गैमी मैरिज मैरिज. ठीक है जी. तो अगर टू मैरिज पर्सन करता है तो दोनों का स्पाउस जिंदा है तो डेफिनेटली आपके लिए भी लायबिलिटी अराइज की है 494 में. यू हैव कमिटेड अ क्राइम, दिस इज द बाइगैमी. 494 इज अ क्राइम. ठीक है जी. अब बेसिकली रीजन क्या है हमारा कि हमने मोनोगैमी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया. तो जब हमने मोनोगैमी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया 1955 के एक्ट में तो उसके बाद कोई भी पर्सन सेकेंड मैरिज नहीं कर सकता अगर उसका फर्स्ट स्पाउस जिंदा है. ठीक है जी. लेकिन 1955 एक्ट आने से पहले अगर उसकी दो मैरिज है, तीन मैरिज है, वो सारी की सारी मैरिज क्या है, वैलिड है. उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है जी. क्योंकि 1950 बाद, क्योंकि ये बेसिकली जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, पीछे वाले जो आगे को इफेक्ट करेगा. जब भी कोई नया एक्ट बनता है तो उसका फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगा. तो 1955 का एक्ट नहीं फ्यूचर है. अगर फ्यूचर में अगर आप मैरिज करवा रहे हो देन वो आपकी एक मैरिज ही अलाउ की जाएगी एज पर द लॉ. तो फर्स्ट कंडीशन इज मोनोगैमी मींस अ सिंगल मैरिज. ठीक है जी. आप इसको वायलेट नहीं कर सकते और अगर आपने वायलेट किया 494 एक क्राइम है और वो आप क्राइम कमिट कर रहे हो. ठीक है जी. यहां पर जो 494 की हम लोग प्रोविजन की बात कर रहे हैं वो आईपीसी में मेंशन की हुई है. 494, 495, 496 तीन चार सेक्शंस हैं बेसिकली जो डील करते हैं. ठीक है जी. अब
जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 17 भी दिया हुआ है, सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अगर हम सेक्शन 17 की बात करें तो सेक्शन 17 की लैंग्वेज क्या है, एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज। नाउ द थिंग इज, जैसे हमने पहले हिंदू की डेफिनेशन की थी, तो हिंदू मैरिज की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो हिंदू अगर वो मैरिज करवा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, ठीक है जी, तो ये कंडीशन है कि दोनों की सिंगल मैरिज होनी चाहिए, वो पहले ऑलरेडी मैरिड नहीं होनी चाहिए। अगर वो मैरिड है तो वहां पे उनका डिवोर्स हो चुका हो, फिर वो मैरिज करवा सकते, अदरवाइज मैरिज नहीं करवा सकते। नाउ सेक्शन 17 सेज दैट एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज सॉलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड, ठीक है जी। If at the date of such marriage either party had a husband or wife living and the provision of section 494, 495 of IPC or the penal code shall apply accordingly। उन्होंने एक बात क्लियर कर दी सेक्शन 17 ने कि जो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेक्शन 5 की मोनोगैमी है, जब भी हम लोग कंडीशन ऑफ मैरिज की बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन हमारी दैट इज मोनोगैमी है। अगर मोनोगैमी की बात करें, अगर कोई पर्सन वायलेट कर रहा है, दैट मींस सेकंड मैरिज अरेंज कर रहा है, दो मैरिज करवा रहा है, तो वो ऑफेंस पनिशेबल है 494, 495 में आईपीसी में। सेक्शन 70 सेज कि अगर दो पर्सन जिन्होंने मैरिज करवाई है अगर उनका ऑलरेडी कोई स्पाउस जिंदा है तो वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो जो सेकंड मैरिज होगी वो इटसेल्फ वॉइड होगी। फर्स्ट मैरिज तो वैलिड है, सेकंड मैरिज वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी, क्योंकि आपका स्पाउस फर्स्ट वाली मैरिज का जिंदा है, इसलिए आप सेकंड मैरिज करवा नहीं सकते थे। एंड एज यू हैव कमिटेड द क्राइम, क्योंकि आपने बाइगैमी कमिट कर ली, तो जो सेकंड मैरिज होगी वो वॉइड होगी, पहले वाली मैरिज एज इट ही रहेगी, ठीक है जी। और सेकंड मैरिज के लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी एज पर द आईपीसी कंसर्न, दैट इज 494 और 495 ऑफ आईपीसी, उसके अंदर आपको क्राइम के अंदर आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर वो प्रूफ हो गया कि आपकी दोनों मैरिज वैलिड है, ठीक है जी, दोनों प्रूफ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव द बाइगैमी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेकंड मैरिज अगर लोग कोई करवाता भी है तो डेफिनेटली उसके जो सबूत होते हैं लाइक फोटोज वगैरह नहीं होती, वो क्लिक ही नहीं करते, ठीक है जी। अब फोटोज क्लिक नहीं करते तो वहां पर प्रूफ कैसे करोगे, कोई वीडियो नहीं है उनकी, कोई अगर आप मंदिर में जाके मैरिज करवा रहे हो तो कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है उसका। तो ऐसे लोग हैं जो बेसिकली सेकंड मैरिज तो करवाते हैं लेकिन उनका कुछ सबूत नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रूव दिस सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी देन यू हैव टू प्रूव द सेकंड मैरिज, आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि फर्स्ट मैरिज एज वेल एज सेकंड मैरिज दोनों वैलिड है। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों मैरिजेस में प्रॉपर सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया है एज पर द हिंदू मैरिज इट इज कंसर्न। सात फेरे आपको प्रूफ करने पड़े अगर हिंदू की बात कर रहे हैं। इस सेकंड मैरिज में 7 जो है बेसिकली जो फेरेज है वो लिए गए हैं, वो मैरिज वैलिड है। द मोमेंट यू प्रूव कि सेकंड मैरिज है तो ऑटोमेटिकली सेकंड मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, इट बिकम वॉइड, ठीक है। और उसकी पनिशमेंट 494 में अवेलेबल है आईपीसी में, तो आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। एंड इफ यू प्रूव दैट द ऑल द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 494 तो उसके रिगार्डिंग आपकी पनिशमेंट पक्का, ठीक है जी। नाउ ये था हमारा कंसेप्ट फर्स्ट मोनोगैमी का। तो मोनोगैमी का जो कंसेप्ट है सेक्शन 5 की फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग रीड आउट करेंगे सेक्शन 17 के साथ, सेक्शन आईपीसी का 494, 495 ऑफ आईपीसी, ठीक है। ये तीन सेक्शन हम लोग कॉन्टिन्यूसली इकट्ठे पढ़ते हैं। नाउ अब हम केस लॉ की बात कर रहे हैं। जो केस लॉ हमारा है यहां पे दो केस हमारे लीडिंग केस है। द फर्स्ट इज सरला मुडको केस, दो केस है हमारे, ठीक है, दोनों दो इंपॉर्टेंट है। ये मोनोगैमी में
हम लोग दो केस रीड आउट करते हैं, सरला मुडकल केस एंड द लिली थॉमस केस, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं सरला मुडकल केस की, लिली थॉमस केस की, तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉ ये कह रहा है, अभी केस में जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ, दो पर्सन जिनकी मैरिज हिंदू मैरिज के अंडर हुई थी, ठीक है जी, हस्बैंड एज वेल एज वाइफ, उन्होंने हिंदू मैरिज के अंडर मैरिज करवाई, लेटर ऑन जो था हस्बैंड था उसने क्या किया, अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी, चाहे वो मुस्लिम बन गया हो चाहे वो क्रिश्चियन बन गया हो, तो वहां पर जाके उसने क्या किया, वहां पर सेकेंड मैरिज अरेंज कर ली उस धर्म में, जो कि बेसिकली जो मुस्लिम लोग वो तो आपको अलाउ कर ही रहा है कि आप मैरिज करवा सकते हो, तो वहां पे उन्होंने अरेंज मैरिज कर ली, लेकिन पहली वाली जो वाइफ थी उसको डिवोर्स नहीं दिया उसने, ठीक है जी। मैं आपको बताइए देता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड वाइफ की मैरिज हुई, लेटर ऑन हस्बैंड जो था वो कन्वर्ट कर गया, सो उस मुस्लिम बन गया और वहां पे उसने एक्स के साथ मैरिज करवा ली, और ये वाइफ थी ए। अब ए के साथ डिवोर्स नहीं हुआ, तो विदाउट डिवोर्स बिना डिवोर्स किए उसने एक्स के साथ मैरिज करवा ली। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ए और हस्बैंड सपोज बी है, ए और बी की मैरिज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है जी, एग्जिस्ट कर रही है। अब उसने बी ने विदाउट द रिजोल्यूशन ऑफ दिस मैरिज, बी ने एक्स के बी ने कन्वर्ट कर लिया मुस्लिम लॉ, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया, अब वहां पर जाके एक्स के साथ मैरिज करवा ली। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है सरला मुडकल केस और लिली थॉमस में, कि जो हस्बैंड जिसने पहले मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट में करवाई थी, अगर वो मैरिज एग्जिस्ट कर रही है, उसने वो मैरिज डिसॉल्व किए बिना उसने अपना धर्म कन्वर्ट करके वहां पर दूसरे धर्म में जाके सेकंड मैरिज करवा ली, तो लॉ कहता है कि बेसिकली वो क्या कमिट कर रहा है, बाइगेमी कमिट कर रहा है, क्योंकि उसने उसकी जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी जो मैरिज है वो एग्जिस्ट कर रही है आज भी, और जब तक वो एग्जिस्ट कर रही है आप सेकंड मैरिज नहीं करवा सकते। तो ये जो हस्बैंड था वो कह रहा कि मैंने तो मुस्लिम लॉ में कन्वर्ट कर लिया, मुस्लिम रिलीजन में मैंने कन्वर्ट कर लिया, जब मैंने मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया तो डेट मीन्स कि मेरे पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, मेरे पे मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा, और एज पर द मुस्लिम कस्टम इज कंसर्न तो मैं चार मैरिजेस करवा सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है आप जितनी मर्जी मैरिज करवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आपकी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है आप सेकंड मैरिज नहीं करवा सकते, क्योंकि आप पे हिंदू मैरिज एक्ट भी अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे जो हस्बैंड है, क्योंकि उसने एक्स के साथ मैरिज करवा ली थी, वो मैरिज भी वैलिड है, अब ये मैरिज भी वैलिड है, तो ये अगर मैरिज वैलिड है तो वो भी वैलिड है, तो डेफिनेटली बाइगेमी कमिट हो गई, ठीक है जी। अगर बाइगेमी कमिट होगी तो उसकी पनिशमेंट ऑलरेडी 494-495 में दी हुई है एपीसी में, तो इसलिए बेसिकली उसको लायबल ठहराया गया कि यू आर लायबल फॉर द पेनल्टी, आपने बाइगेमी कमिट की है। तो लॉ क्या कह रहा है सरला मुडकल और लिली थॉमस में, कि अगर आपकी मैरिज एग्जिस्ट कर रही है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर विदाउट डिसॉल्विंग दैट मैरिज, अगर आपने मैरिज करवा ली कन्वर्ट करके किसी रिलीजन में, तो यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है जी। अगर आप सेकंड मैरिज करवाना चाहते हो उस रिलीजन में, तो आपको फर्स्ट वाली मैरिज डिसॉल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप डायरेक्टली मैरिज नहीं करवा सकते। तो इसलिए इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेसिकली सेकंड मैरिज है, ठीक है जी, वो हम लोग उस पर क्वेश्चन नहीं मारते, एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न सेकंड मैरिज इज वॉइड, एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट दिस मैरिज इज वॉइड, क्योंकि पहली मैरिज एग्जिस्ट कर रही है, एंड जो बी है हस्बैंड है वो लायबल होगा बाइगेमी के लिए, ठीक है जी। तो ये था सिंपल फंडा हिंदू मैरिज एक्ट का। लेकिन अगर ये पिक्चर हम लोग मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग देखें, तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग तो एक्स की मैरिज वैलिड है, हम लोग मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं,
वहां पर तो वैलिड है, क्योंकि जब वो कन्वर्ट हुआ था मुस्लिम में तब जब उसने मैरिज करवाई थी एक्स के साथ, तो डेफिनेटली वो एक्स की मैरिज जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही है एज पर द मुस्लिम लॉज कंसर्न। बट हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की पहली प्रोविजन ही मोनोगैमी है, कि अगर आप बिना डिसॉल्व किए हुए अगर आप सेकंड मैरिज करवाते हो तो ये सरला मुड़को लिली थॉमस जो है उसने पनिशमेंट के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया कि यू आर लायबल फॉर द पेनल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बेसिकली आपकी इंटेंशन सेकंड मैरिज करवाने की थी, इसलिए आपने वो अपना रिलीजन कन्वर्ट किया। लॉ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी पर्सन सेकंड मैरिज को अगर सेकंड मैरिज करवाना चाहता है इसलिए वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहा है, तो बेसिकली लॉ कहता है कि ये गलत है, आप सिर्फ मैरिज पर्पस के लिए अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहे, अदरवाइज नहीं कर रहे, सिर्फ मैरिज पर्पस के लिए कर रहे हो। तो दोनों केस उसमें सिर्फ मैरिज पर्पस के लिए उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया था, इसलिए उनकी लायबिलिटी फेस की गई थी। और उन्होंने कहा था कि आपकी सेकंड मैरिज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट कंसर्न्ड इज वॉइड एंड दैट पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर द बाइगेमी। ठीक है जी, तो ये था। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इन केसेस में क्या कहा, दोनों केसेस में, दैट व्हेन वन इज ऑलरेडी मैरिड अंडर हिंदू लॉ, अगर ये पर्सन बी ऑलरेडी हिंदू लॉ में मैरिड है, ठीक है जी, एंड ही बाई एम्बेरसिंग इस्लाम, उसने इस्लाम को कबूल लिया, कन्वर्ट करके इस्लाम में चला गया, कैन नॉट सोलमेनाइज अ सेकंड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप सेकंड मैरिज हिंदू मुस्लिम लॉ में नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सोलमेनाइज सेकंड मैरिज, जब तक आपकी मैरिज एग्जिस्ट कर रही है हिंदू मैरिज एक्ट में, यू कैन नॉट सोलमेनाइज द सेकंड मैरिज। ठीक है जी, सो विच परमिट द पॉलीगैमी, क्योंकि मुस्लिम लॉ तो पॉलीगैमी अलाउ कर रहा है कि आप जितनी मैरिज मर्जी करवा लो, चार मैरिज करवा सकते हो, पॉलीगैमी करवा रहा है, कह रहा है, ठीक है जी, मोर देन टू मैरिज करवा सकते हो, लेकिन हमारा कंसेप्ट तो मोनोगैमी का है ना, आपने मोनोगैमी के कंसेप्ट को तो वाइल्ड कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जो अगर जिसकी मैरिज हिंदू लॉ में वैलिड है, एग्जिस्ट कर रही है, और आपने कन्वर्ट करके सेकंड मैरिज करवा ली, तो आप बेसिकली नहीं करवा सकते सेकंड मैरिज। ये लिली थॉमस वर्स और सुरला मुड़कल के दोनों केसेस में ये हेल्ड किया था। एक और केस था हमारा, यमुना बाई वर्सेस अनंत राव, AR 1988 सुप्रीम कोर्ट 644 पेज। इसमें क्या कहा कि फर्स्ट वाइफ कैनॉट पिटिशन फॉर न्यूलिटी अंडर सेक्शन 11, फर्स्ट वाइफ, ओनली सेकंड वाइफ कैन डू सो। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट केस यमुना बाई अनंत राव का, इसमें मैं आपको बता रहा हूं ब्रीफ में, वाइफ वन, इसकी मैरिज बी के साथ हुई, ठीक है जी, और बी ने फर्स्ट मैरिज एग्जिस्ट कर रही थी और उसके बाद उसने वाइफ टू के साथ मैरिज करवा ली, ठीक है जी, ये कंसेप्ट था इसका। इस केस में क्या हुआ कि बी की मैरिज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी ऑलरेडी वाइफ थी वाइफ वन, लेकिन उसने दूसरी मैरिज करवा ली वाइफ टू। अब लॉ कहता है कि बेसिकली इन दोनों वाइफ्स में से कौन सी वाइफ कोर्ट में जाके सेक्शन 11 का बेनिफिट लेगी। 11 क्या कह रहा है, वॉइड मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 11 क्या कह रहा है, वॉइड मैरिज। क्वेश्चन राइज होगा कि इन दोनों वाइफ में किसके पास राइट है, कौन सी वाइफ जाएगी कोर्ट में अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस वाइफ द फर्स्ट वाइफ हैज नो राइट टू फाइल अ पिटीशन अंडर सेक्शन 11 टू डिक्लेयर द मैरिज वॉइड। आप नहीं जाके करवा सकते अपनी मैरिज वॉइड, और ना ही आप बी और इसके रिगार्डिंग आप जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द फर्स्ट वाइफ कैन नॉट पिटीशन फॉर न्यूलिटी अंडर सेक्शन 11, ओनली द सेकंड वाइफ कैन डू सो। सिर्फ सेकंड वाइफ जा सकती है कि मेरी मैरिज जो वो वॉइड डिक्लेयर की जाए, ठीक है जी, ये सेकंड वाइफ जाएगी क्योंकि मैरिज तो उनकी वॉइड हो रहा है,
तो आप जाके अपनी मैरिज वॉइड नहीं डिक्लेयर करा सकते, अपनी मैरिज वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकते। इट इज द वाइफ सेकंड, वाइफ टू है जो अपनी मैरिज डिक्लेयर कराएगी वॉइड, ठीक है जी। नाउ हाउएवर द फर्स्ट वाइफ मे फाइल अ डिक्लेरेटरी सूट, ये क्या कह सकती है, वाइफ वन के पास क्या राइट है, सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इस एक्ट में जाके वो डी और डब्ल्यू टू की मैरिज वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। वो डिक्लेयर करते हैं इसका स्टेटस डिक्लेयर किया जाए, वॉइड नहीं, इसका स्टेटस डिक्लेयर किया जाए, डिक्लेरेशन ले सकती है कोर्ट से, ठीक है जी। सो द फर्स्ट वाइफ मे फाइल अ डिक्लेरेटरी सूट अंडर सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फॉर डिक्लेयरिंग द स्टेटस ऑफ द सेकेंड मैरिज, वो स्टेटस डिक्लेयर करवा सकते हैं कि अभी उनका कुछ स्टेटस नहीं है। But she cannot file a suit under, she cannot file a petition under section 11 of the Hindu Marriage Act. It is W2. वो जा सकती है अपनी मैरिज वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पेशली मेंशन कर दिया कि दिस फर्स्ट वाइफ, जो पहली वाली वाइफ है, वो सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इस मैरिज का स्टेटस डिक्लेयर करवा सकती है कि इसका स्टेटस डिक्लेयर किया जाए, इनका कोई स्टेटस नहीं है, ठीक है जी। अब सेकंड क्या था, जो सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है जी। जो सेकंड में जो पॉइंट है हमारा सेक्शन 5 में, वो वैलिड कंसेंट के रिगार्डिंग है। अगर किसी पर्सन की वैलिड कंसेंट नहीं है तो वो मैरिज हो जाएगी वॉइडेबल। जो सेक्शन 5 की फर्स्ट क्लॉज है मोनोगैमी है, मोनोगैमी में तो डेफिनेटली अगर मोनोगैमी के कंसेप्ट को अगर आप वायलेट कर रहे हो तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी, सेकंड मैरिज। लेकिन यहां पे आपकी मैरिज क्या आएगी, वॉइडेबल, क्योंकि आपकी कंसेंट वैलिड नहीं है, मानी नहीं आती वैलिड, बिकॉज आप पागल थे एट द टाइम ऑफ मैरिज, आपकी कंसेंट आपकी थी नहीं क्योंकि आप पागल थे, अनसाउंड ऑफ माइंड, ठीक है जी। अगर यहां पर एक्स की मैरिज ए के साथ हुई है जो अनसाउंड था एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो क्या था, अनसाउंड था, लेकिन ये कंसेप्ट जो था बेसिकली वो कंसील किया गया, लेटर ऑन शी केम टू नो कि वो तो पागल था, ठीक है जी। तो ये वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकती है अपनी मैरिज, ठीक है जी, वो वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकती है सेकंड में कि वो तो अनसाउंड माइंड में है। सेकंड मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है जी, हम लोग प्रॉपर पागल तो नहीं कह सकते लेकिन मेंटली डिसऑर्डर पर्सन कह सकते हैं, कहीं ना अटैक आए थे इसको, मेंटली तौर पर जो प्रिपेयर नहीं है, फिट नहीं है, और तो वो पागल नहीं है बट मेंटली डिसऑर्डर है क्योंकि वो पर्सन फिट ही नहीं है मैरिज के लिए, और ना ही वो बच्चे पहले कर सकता है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन भी नहीं कर सकता, मैरिज के लिए वो फिट नहीं है, इसलिए वो बेसिकली मेंटली डिसऑर्डर पर्सन में फॉल करते हैं। सेकंड वैलिड कंसेंट का नहीं है जहां पर वो इनसेन है, ठीक है, इनसेनिटी इज इटसेल्फ द ग्राउंड, अगर वो इनसेन है तो डेफिनेटली आप सेक्शन 5 की सेकंड क्लॉज में जाके आप अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड है, देयर इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, ठीक है जी, जिसकी वैलिड कंसेंट नहीं है तो आप जाके अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो, ठीक है जी। नाउ थर्ड,
एज, थर्ड क्या है एज। अब बॉय की जो ब्राइड की बेसिकली है ये एज हमारी फिक्स की है हमारी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि जो लड़की है वो 18 ईयर की होगी और जो लड़का है वो 21 ईयर का होगा, ठीक है जी। लेकिन यहां पे कहीं मेंशन नहीं है कि अगर लड़का 20 ईयर का है और लड़की 18 ईयर की है अगर उनकी मैरिज होगी तो वो अवॉइड हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। यहां पर वैलिड मैरिज है बेसिकली कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड क्लॉज हमारी है, थर्ड क्लॉज ऑफ सेक्शन 5 की, वो डील कर रही है एज के साथ। अगर एज की एक ब्राइड की एज 18 है, ब्राइड को उनकी 21 है, वो तो वैलिड मैरिज ही है। अगर वो चाहते हैं कि हम लोग कंटिन्यूस करें, हम मैरिज कंटिन्यू रखें, तो वो वैलिड मैरिज है, वो वैलिड मैरिज है, ठीक है जी। लेकिन ये 18 ईयर जो और 21 ईयर का कंसेप्ट था, पहले एज 15 साल थी और 18 साल थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जब बनाया गया, अमेंड किया गया, तो उससे पहले जो एज थी लड़की की 15 साल थी, बॉय की 18 साल थी, ठीक है जी। इससे पहले चाइल्ड मैरिज एक्ट रिस्ट्रेंट एक्ट से पहले, लेकिन जब इसको अमेंड किया गया चाइल्ड मैरिज एक्ट रिस्ट्रेंट एक्ट 1978 में, तो लड़की की एज 15 से 18 कर दी और बॉय की 18 से 21 कर दी, ठीक है जी। तो ये है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, जो इस एज के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यहां पर मैरिज जो होगी वो वैलिड होगी, मैरिज वैलिड है, ठीक है जी। अगर वो 17 साल की लड़की है या लड़का 20 साल का है, अगर उन्होंने मैरिज करवा ली तो वो मैरिज क्या है, उनका स्टेटस क्या है, वैलिड मैरिज है। तो वैलिड मैरिज इवन दो नो कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, जो पेरेंट्स और गार्डियन, यहां पे अगर पेरेंट्स की कंसेंट नहीं है, गार्डियन की कंसेंट नहीं है, लेकिन वो लड़का लड़की ने अपनी मैरिज करवा ली, चाहे उनकी मैरिज छोटी है और सॉरी उनकी एज छोटी है, तो वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी, ठीक है जी। ये जो केस था, ये आप नाम लिख लो केस का, मद्रास हाई कोर्ट का केस 1962, 400 पेज, AIR, शिवानंदी वर्सेस भगवान थॉमस। वैलिड कंसेंट, वैलिड मैरिज है, यहां पे हम लोग कह रहे हैं वैलिड मैरिज है। अगर पेरेंट्स की कंसेंट नहीं है, गार्डियंस की कंसेंट नहीं है, लेकिन अगर वो लड़की और लड़का उन्होंने मैरिज करवा ली, उनकी आपस में कंसेंट है, ऑल्दो उनकी जो एज है वो कम है, तो स्टिल मैरिज क्या होगी, वैलिड होगी, ठीक है जी। सेकेंड थिंग, जो सेकंड पॉइंट है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है एज के रिगार्डिंग, उसमें हम लोग कह रहे हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट एंड द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 ओनली प्रोवाइड फॉर सम पनिशमेंट फॉर सच मैरिज। लॉ कहता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है और जो चाइल्ड जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, ठीक है जी, चाइल्ड ये सिर्फ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है, अदरवाइज जो मैरिज है वो वैलिड है। सेकंड पॉइंट जो एज का है, पहली बात वो वैलिड मैरिज है, सेकंड है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है या चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट 1929 है, वो सिर्फ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है कि अगर आपने मैरिज करवा ली तो पनिशमेंट किसको दी जाएगी, ठीक है जी। तो
यहाँ पर जो हिंदू मैरिज एक्ट है वहां पे जो सेक्शन दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 18, ठीक है जी, सेक्शन 18 वहां पर मेंशन कर रखा है, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की हुई है इस वैलिड मैरिज के रिगार्डिंग, अगर कोई बच्चा वैलिड मैरिज, जिस कोई बच्चा अगर वो मैरिज करवा रहा है तो वो है तो वैलिड मैरिज है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न, लेकिन उनकी पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 से एवरी पर्सन हु प्रोक्योर्स अ मैरिज ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कोई भी पर्सन जो अपने लिए मैरिज करवा रहा है, प्रोक्योर कर रहा है मैरिज टू बी सॉल्वराइज अंडर दिस एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 की अगर थर्ड कंडीशन को वायलेट कर रहा है, मींस एज के रिगार्डिंग अगर वायलेशन हो रही है तो उसकी पनिशमेंट क्या है ए पॉइंट में। सेक्शन 18 का ए पॉइंट क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 विद रिग्रेस पनिशमेंट विच मेक्स एंड टू 2 years और विद फाइन। ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है सेक्शन 18 में हिंदू मैरिज एक्ट में, अगर आप लड़का लड़की मैरिज करवा रहे हैं, ठीक है जी। अगर दोनों बच्चे हैं तो प्रॉब्लम है कि कौन मैरिज करवा रहा है, जो मैरिज सॉल्वराइज करवाएगा हम उसको पनिशमेंट देंगे। अगर सपोज लड़की की एज 17 ईयर्स है और लड़का जो है बेसिकली वो 22 ईयर है, तो यहाँ पे लड़के को पनिशमेंट होगी क्योंकि उसको तो पता ना वो तो मेजर है ना, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी जो एज है वो 21 ईयर है, तो आपको पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की जाएगी। अगर दोनों बच्चे हैं तो अगर पेरेंट्स, अगर पुरोहित मीन्स पंडित या गुरुद्वारे में बैठा पाठी अगर वो मैरिज करवा रहा है उन बच्चों की, तो उनकी पनिशमेंट है ये 2 years और 1,00,000 रुपया और दोनों, ठीक है जी। ये है नौ सेकंड कंडीशन भी आप पढ़ी लोगों की बात है, हमने जो थर्ड फोर्थ हमने प्रोविजन करनी है। सेक्शन 18 का बी पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपने मैरिज करवाई उस रिलेशन में जो रिलेशन आपका स्पिंडर रिलेशनशिप है, जहां उस रिलेशन में जो प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड रिलेशन है, आप उसमें जाके मैरिज, हमने स्पिंडर और प्रोहिबिटेड रिलेशन में काफी डीप में जो लेक्चर किया है पिछला, ठीक है जी, प्रीवियस लेक्चर आप उसको पढ़ लेना, इनकेस अगर आपने नहीं देखा, ठीक है जी, वो लेक्चर सुन लेना, आपको तभी पता लगेगा कि स्पिंडर रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आप मैरिज नहीं करवा सकते। अगर आपने मैरिज करवाई तो उसकी पनिशमेंट भी सेक्शन 18 की सेकंड पॉइंट में दी हुई है कि उसकी पनिशमेंट भी है विच मेक्स एंड टू 1 month और विद फाइन विच मेक्स एंड टू 1,000 rupees। वहां पर पनिशमेंट सिर्फ 1 month है, 1 month तक हो सकती है पनिशमेंट और 1,000 तक फाइन हो सकता है और दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर पनिशमेंट 2 साल है, दैट मींस ये पनिशमेंट 2 years क्यों हमने की, ताकि हम लोग बच्चों की मैरिज को रोक सके, चाइल्ड मैरिज को हम लोग स्टॉप कर सके, उसको प्रोहिबिट कर सके, इसलिए हमने मैरिज की इसकी पनिशमेंट ज्यादा ही कर दी, पहले वो भी सेम थी, लेकिन यहाँ पर उसके बाद हमने जो इसकी जो बेसिकली अमेंडमेंट हुई थी 2007 में, ठीक है जी, तब उसके बाद हमने जो इसकी जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज कर दी, 2 साल 1,00,000 रुपया और बोथ, दोनों पनिशमेंट ये हो सकती है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन पहली कंडीशन वैलिड मैरिज, सेकंड कंडीशन एचएम और चाइल्ड मैरिज स्टैंडर्ड से आपको पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है, अदरवाइज जो मैरिज है वो वैलिड है, ठीक है जी। थर्ड, अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, अगर आप 1954 में अगर मैरिज हो रही है आपकी, मैं हिंदू मैरिज एक्ट से थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, अगर आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर बच्चे हैं या बच्चों की मैरिज आपने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में करवा दी, तो वो मैरिज वॉइड ही मानी जाएगी, यहां पर मैरिज वॉइड है बच्चों की। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, वैलिड है, ठीक है जी, वो सिर्फ प्रेशर प्रिस्क्राइब कर रहा है,
लेकिन अगर बच्चों की मैरिज चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में हो रही है 1984 में, तो वो मैरिज वॉइड है। क्यों वॉइड है? बिकॉज दिस एक्ट मीन्स स्पेशल मैरिज एक्ट मेंट फॉर लिटरेट एंड एडवांस पीपल, पढ़े लिखो के लिए ये एक्ट बनाया गया है, जो एडवांस है उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। हु अलोन यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट सिविल मैरिज, जो सिर्फ सिविल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। वो लिटरेट पर्सन एडवांस पर्सन होते हैं जिनकी सोच काफी बड़ी होती है, तो डेफिनेटली इसलिए इनकी मैरिज अवॉइड है बच्चों की। बच्चे यहाँ पर मैरिज करवाई नहीं सकते। अगर पेरेंट्स भी करवाना चाहते हैं बच्चों की मैरिज, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में करवाई नहीं सकते, वो मैरिज इटसेल्फ वॉइड हो जाएगी, ठीक है जी। नाउ चाइल्ड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इज नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल मैरिज, वो वॉइड तो है ही नहीं है ना ही वो वॉइडेबल है, वो क्या है? वैलिड मैरिज है। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट चाइल्ड की मैरिज ना तो वॉइड है ना ही वॉइडेबल है, वो क्या? वैलिड मैरिज है। अब नेक्स्ट जो है वो फोर्थ पॉइंट है, हमने एक नया एक्ट बना दिया 2006 में, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। दैट मींस आपको प्रोहिबिट किया गया है, आपको मना किया गया है कि आप मैरिज नहीं करवा सकते चाइल्ड मैरिज, ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट एक्ट इटसेल्फ जो प्रोहिबिट कर रहा है। पहले था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, वो सिर्फ आपको रोक रहा था, अगर आपने मैरिज करवा ली तो वो मैरिज वैलिड है। हिंदू मैरिज एक्ट में तो आपको कोई रोका ही नहीं गया, ठीक है जी। आपको सिर्फ कंडीशन दी गई है, अगर उनकी कंडीशन वायलेट कर रहे हो तो चीफ प्रिशनल स्काइड है, दैट मींस की मैरिज वॉइड है। लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में आपको प्रोहिबिट किया गया है, बिल्कुल रोक दिया आपको कि आप करवा ही नहीं सकते, यू आर टोटली प्रोहिबिटेड टू अरेंज अ चाइल्ड मैरिज अंडर एक्ट वो 2006 में है, ठीक है जी। तो हाउएवर नॉट चेंज द एज, यहाँ पर एज जो चेंज नहीं हो रही, वो 18 ईयर ही है और 21 ईयर ही है, ठीक है जी। लड़की की एज 18 साल, लड़के की एज 21 ईयर है, लेकिन हिज पेरेंट रिलेटिव इवन द प्रीस्ट कंडक्टिंग ए मैरिज वेयर द ब्राइड इज अ माइनर विल फेस अ 2 ईयर पनिशमेंट 1 लाख ये है बेसिकली। यहां पर जब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया, तो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट कर दी, इसमें 2 ईयर पनिशमेंट 1 लाख रुपीज फाइन और बोथ है। इसकी वजह से हमने 2000 में जब ये एक्ट बनाया, इसलिए हमें हिंदू मैरिज एक्ट में चेंजेस करने पड़े, और चेंजेस में सेक्शन 18 के ए पॉइंट में हमने 2 ईयर पनिशमेंट 1 लाख फाइन और बोथ डाल दिए, क्योंकि 2006 में ये नया एक्ट आ गया था हमारा, ठीक है जी। नाउ यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? आफ्टर ऑल जो ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट सिंपल है कि मैरिज इज वॉइडेबल, यहां पर मैरिज क्या है? वॉइडेबल है। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या था? वैलिड मैरिज। चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट में क्या था? वैलिड मैरिज। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में बच्चों की मैरिज क्या है? वॉइडेबल, इट इज वॉइडेबल, ठीक है जी। वहां पर वॉइडेबल कर दिया। सेकेंड, चिल्ड्रन फ्रॉम सच चाइल्ड मैरिज इज लेजिटिमेट, बच्चे जो होंगे जो चाइल्ड मैरिज हुई है उनकी मैरिज में अगर बच्चे होंगे तो वो लेजिटिमेट ही है, वो जायज हो जायजा नाजायज नहीं है, मर जाएगी वो जायज ही है आपकी, वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन है आपकी, ठीक है। क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन सेक्शन 16 में आपको हो चुकी है, हम लोग सेक्शन 16 हम लोग फर्दर रीड आउट करेंगे सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें उसको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है जी। थर्ड, यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में तीसरा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वॉइड मैरिज इफ प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट में आपकी मैरिज वॉइड मानी जाएगी, लेकिन कहां पे? 3 सिचुएशन में।
ये तीन सिचुएशंस हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जहां पर मैरिज आपकी वॉइड मानी जाएगी। पहली, अगर आपने जोर जबरदस्ती और धोखे से उस लड़की के साथ मैरिज करवाई है या लड़के के साथ मैरिज करवाई है जो बच्चे माइनर है, तो फोर्सफुली और डिसीटफुली अगर मैरिज हुई है बच्चों की, तो वो मैरिज का स्टेटस क्या है? वॉइड अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इट इज अ वॉइड मैरिज। सेकेंड, अगर किडनैप करके आपने मैरिज करवाई है तो मैरिज इटसेल्फ वॉइड हो जाएगी। थर्ड, अगर आप लड़की को खरीद रहे हो दूसरे स्टेट के साथ, दूसरे स्टेट में गए, आपने पेमेंट कर दी, या किसी गरीब पर्सन की लड़की थी जिसकी एज छोटी थी, आपने उस उसके फादर को पेमेंट कर दी कि मैं इसके साथ मैरिज करवा लूंगा, तो आपने सेल परचेज किया इस लड़की को, अगर वो सेल परचेज कर रहे तो वो मैरिज भी वॉइड मानी जाएगी। अदरवाइज एज अ जनरल रूल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में स्टेटस क्या है? अवॉइडेबल। ये जनरल रूल है कि उसका मैरिज का स्टेटस अवॉइडेबल है। जो बच्चे होंगे चाइल्ड मैरिज के वो लेजिटिमेट है। थर्ड की वॉइड मैरिज तीन सिचुएशन में वॉइड है, जहां पर फोर्सफुली डिसीटफुली किडनैपिंग और जहां पर आप लड़की को परचेज कर रहे हो पैसे देकर मैरिज पर्पज के लिए। ठीक है जी, अब इस एक्ट ने प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट जब सामने आया तो वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट खत्म हो गया 1929, उसको हमने खत्म कर दिया। ठीक है जी, ठीक है, ये जो था हमारा थर्ड कंसेप्ट था, तीसरा पॉइंट था जो आज हमने किया, हमने सारे कवर कर लिए, स्पेशल मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट। अब फोर्थ जो है हमारा पॉइंट वो प्राइवेट रिलेशनशिप है। और फिफ्थ पॉइंट जो हमारा स्पिंडल रिलेशनशिप है। यहां पर मैरिज वॉइड है, दैट्स इट। हमने ये कंसेप्ट ऑलरेडी काफी डीप में किया है, प्राइवेट रिलेशनशिप क्या होते हैं, स्पिंडल रिलेशनशिप क्या होते हैं। अगर आप प्राइवेट रिलेशनशिप में मैरिज करवा रहे हो, अगर आप स्पिंडल रिलेशनशिप में मैरिज करवा रहे हो, तो वो मैरिज इटसेल्फ वॉइड हो जाएगी। तो सेक्शन फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट मोनोगैमी मैरिज वॉइड, सेकंड वैलिड कंसेंट नहीं है मैरिज वॉइडेबल, थर्ड एज वहां पर वैलिड मैरिज है डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन में एक्ट में वो वॉइडेबल है अदरवाइज, चौथा पॉइंट प्राइवेट रिलेशनशिप, फिफ्थ पॉइंट इज अ स्पिंडल रिलेशनशिप। ये पांच पॉइंट हमारी कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है जी, तब जाके आपकी मैरिज जो है बेसिकली सही मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी, तो ये आप प्लीज कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज, एंड फॉर द मेन जो क्वेश्चन है हमारा पीसीएस का, उसके लिए टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप कमेंट करके देख पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।